ऑफ देखते हैं एनिलीन। एनिलीन क्या है? एरोमेटिक अमाइन से। तो एरोमेटिक अमाइन्स में क्या होता है, एक दिन एरोमेटिक अमाइन्स मतलब ऐसे ही बैठा था, ठीक है, उसके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आए, नहीं पहले इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आए, पूछा एनिलीन भाई साहब एक काम करता हूँ, मैं क्या करता हूँ पता है, मैं क्या करता हूँ, मैं तुम्हारा बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करा देता हूँ। अच्छा ठीक है भाई, तू तो मेरे लिए देव मानुष है रे। अच्छा फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, वो डिक्रीज कर देता है, अरे तेरा भाई मुझे देव मानुष मतलब मेरे लिए देव मानुष है और तू ऐसा कर रहा है, ठीक है कोई नहीं तेरा ही भाई है, चलो सह लेंगे, ठीक है। तो फिर से क्या है वही लाइन, कौन सा लाइन है, ये सच्चे मोहब्बत तुम्हें रुलाती रहेगी, ये सच्चे मोहब्बत तुम्हें रुलाती रहेगी, याद कर लो बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ, सॉरी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाती रहेगी, ठीक है। फिर से एक बार, ये सच्चे मोहब्बत तुम्हें रुलाती रहेगी, ये सच्चे मोहब्बत तुम्हें रुलाती रहेगी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ घटाती रहेगी, ठीक है, मतलब बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाती रहेगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन एनिलीन इंक्रीजेस द बेसिसिटी रिलेटिव टू द एनिलीन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीज करता है, ठीक है। ऑल ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन आर लेस बेसिक देन पैरा सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन रिगार्डलेस ऑफ द नेचर ऑफ सब्सटेंस, दिस इज कॉल्ड ऑर्थो इफेक्ट। एसिड में जब ऑर्थो इफेक्ट हो रहा था, एसिड के लिए ऑर्थो इफेक्ट एक ब्लेसिंग सा था, ठीक है, उसका ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एसिड क्या होता था, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एसिड हमारा मोर एसिडिक होता था, लेकिन हमारा जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन है वो लेस बेसिक होगा, ठीक है। दिस ऑर्थो इफेक्ट इज एट्रीब्यूटेड टू स्टेरिक हिंड्रेंस बाय ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड टू सॉल्वेशन ऑफ कैटायन, दिस स्टेरिक इफेक्ट डिस्टेबिलाइज द कैटायन मेकिंग द एमिन वीकर बेस, ठीक है। मतलब प्रोटोनेटेड होने के बाद सुनो, एसिड में क्या था, प्रोटॉन देने के बाद जो आना है जितना स्टेबल होता है जिस एसिड का वो उतना स्ट्रॉन्गर एसिड होता है। बेस में क्या होता है, बेस में प्रोटोनेशन के बाद कैटायन अगर जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो उतना बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, और कैटायन को स्टेबल कौन करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, कैटायन को डिस्टेबिलाइज कौन करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इसीलिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आर देव मानुष फॉर बेसिक एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीजेज ए बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द बेसिक, ठीक है। When substituent is electron withdrawing group, पहले देखते हैं, electron withdrawing substituent tends to decrease the electron density on the nitrogen atom by inductive effect or by resonance effect or by both. कितने बार पढ़ेंगे सर एक ही बात, याद रहेगा कोई नहीं, अब डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, मजा नहीं आ रहा है ऐसे सर बार बार पढ़ने में। ये है हमारा एनिलीन भाई साहब, ये है पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, भाई तुझे स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा था एसिड के केस में, क्योंकि तू एसिड के लिए था देव मानुष, लेकिन यहां तुझे पावरफुल, यहां तुझे स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि तू यहां मेरा स्टेबिलिटी डिक्रीज करने आया है, इसीलिए एनिलीन इज मोर बेसिक देन नाइट्रो एनिलीन, पारा नाइट्रो एनिलीन बेटा। When substituent is electron donating group, भाई substitute electron donating group basic strength को बढ़ाता है, सर कितने बार बोलोगे एक ही बात, इतने बार बोलने का मतलब यही है तुम्हें इस क्लास देखने के बाद और कहीं पर भी कभी भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, मतलब कहने का बात यह दिमाग में सेट हो जाएगा, पढ़ने का तो जरूरत पड़ेगा भाई, जब तक जिंदगी है तब तक पढ़ते रहो, ठीक है, जब तक जिंदा हो इतना पढ़ेंगे, क्या है आईआईटी में जाने के बाद पढ़ना नहीं पड़ेगा, वहां पर भी सेमेस्टर आ जाएगा, फिर पढ़ना पड़ेगा, फिर आपका कैंपस आएगा, फिर पढ़ना पड़ेगा, फिर किस बच्चे का एम होगा भाई मैं कैट क्लियर करके आईआईएम में जाऊँ, फिर किस बच्चे का मन कर जाएगा भाई नहीं ये इंजीनियरिंग मजा नहीं आया, ठीक है चलो 4 साल आईआईटी में निकल गया अब यूपीएससी का तैयारी करते हैं, ठीक है। तो फिर जब तक जिंदा हो तब तक सीखते रहो, जब तक जिंदा हो तब तक पढ़ते रहो, ये है लाइफ का फंडा। जिस दिन तुमने भूल गया, जिस दिन तुमने पढ़ना छोड़ दिया मतलब कुछ सीखना छोड़ दिया, उस दिन जानो तुम क्या है, तुम जिंदा लाश बन गए, ठीक है। तो जब तक जिंदगी है तब तक कुछ ना कुछ
सीखते रहो, ठीक है। सीखने का मतलब ये नहीं है सिर्फ केमिस्ट्री सीखो, फिजिक्स सीखो, या बायोलॉजी या मैथमेटिक्स सीखो, ये नहीं, कुछ भी सीखो तुम, बस सीखते रहो, जब तक जिंदा हो तब तक सीखते रहो, ठीक है। चलो बहुत सारे हो गया, ज्यादा ज्ञान हो गया शायद, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हमारा एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कराता है, वो तो हो गया। देन स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस इन एरोमेटिक एमीन ऑलवेज इंक्रीजेस द बेसिसिटी ऑफ एमीन्स, ये हमने SIR में देखा था, स्टेरिक इनहिबिशन में रेजोनेंस पे उसका एप्लीकेशन में मैंने देखा था। क्योंकि क्यों ऐसा होता है, जब स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस आ जाता है, जो लोन पे रेजोनेंस पे पार्टिसिपेट कर रहा था उसको करने नहीं देता, अगर करने नहीं देता तो वो ल्यूकलाइज हो जाता और बेसिक स्ट्रेंथ हमारा इंक्रीज कर जाता रे। फॉर एग्जाम्पल एन एन डाइमिथाइल एनिलीन इज ओनली स्लाइटली बेसिक देन एनिलीन, बट 2,6 डाइमिथाइल एन एन डाइमिथाइल एनिलीन इज मच मोर बेसिक देन 2,6 डाइमिथाइल एनिलीन। मैंने वो डिटेल्स में क्या है, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस में बता दिया था, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे दोबारा नहीं बता रहा हूँ, अगर किसी ने नहीं देखा है वो वाला वीडियो जाके देख सकते हो, ठीक है, अगर पता नहीं है। बेसिसिटी ऑफ डिफरेंट नाइट्रोजन कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर कैसा है, गुआनिडिन सबसे ज्यादा होता है, गुआनिडिन टाइप बेस, देन एलिफेटिक एमीन्स, देन NH3, देन एरोमेटिक एमीन्स, देन इमीन, ठीक है। क्वेश्चन के बारी है, प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, कैसे करेंगे रे बेटा, ये हो गया sp3 sp2 sp, तो फिर इसको आई दूंगा, इसको टू आई दूंगा, इसको थर्ड आई दूंगा, तो आई ग्रेटर देन टू आई ग्रेटर देन थर्ड आई, ठीक है। अब एसिडिक स्ट्रेंथ परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इंक्रीजेस, एसिडिक स्ट्रेंथ तो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, यहाँ पूछा नहीं है, मैंने बेसिक स्ट्रेंथ इसका बता दिया। अगर इसका कॉन्जुगेट एसिड होगा तो ये उसका कॉन्जुगेट एसिड होगा, देखो एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ ऐसा हुआ, ठीक है, तो इसका कॉन्जुगेट एसिड का स्ट्रेंथ क्या होगा, थर्ड आई ग्रेटर देन टू आई ग्रेटर देन आई, रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। देन क्या है, I greater than third I greater than 2I, I is localized 2I dispersion on nitrogen highly delocalized, third I dispersion carbon moderately localized, ठीक है। क्योंकि देखो पहला तो ये हो गया हमारा stronger, ठीक है, then इसमें देखो इसमें ये localized है, इसमें localized है, but यहाँ पर carbon है, यहाँ पर oxygen है, इसीलिए हमारा 2I में dispersion on oxygen charge highly delocalization हो गया, लेकिन carbon में moderately हुआ, इसीलिए हमारा ये वाला सबसे ज्यादा, then ये देनी, अगर वन इसको दो, इसको टू दो और इसको थर्ड, ठीक है। देन क्या है, देन सर, देन ये देखो NH3 ये वाला, इसमें तो हमारा ये भाई साहब है, कौन सा भाई साहब, अरे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भाई साहब, तो ये तो डिक्रीज करा देंगे, ठीक है। देखो 2I में लोकलाइज लोन पेयर, 2I में, ठीक है, लोकलाइज लोन पेयर, आई में इलेक्ट्रॉन डिस्पोज लोन कार्बन आइटम, ठीक है, थर्ड आई में क्या है, थर्ड आई में इलेक्ट्रॉन डिस्पोज लोन ऑक्सीजन आइटम, ठीक है, तो इसीलिए हमारा 2I देन आई देन थर्ड आई।